नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में कतई जहर सीरीज़ का हम पार्ट नंबर 20 देखेंगे। आज हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, तो चलिए इस भंडारे को शुरू करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का भंडारा, आज के क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आया हूँ, 10-12 प्रश्न हैं आज के, उनकी पूरी डिटेलिंग मैं आपको दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मतलब पहला प्रश्न क्या बना है, पहला प्रश्न है कि संवाद कॉमेडी अखबार का संबंध किससे है। तो पहले तो सभी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को जो फर्स्ट टाइम आए हैं शेयर जरूर करें अपने पड़ोसियों के साथ, ठीक है, पड़ोसियों के साथ जरूर करें, ठीक है। चलिए, संवाद और कॉमेडी अखबार किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है हमारी राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय के संबंधित है। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो वो दी थी हमारे अकबर, अकबर सेकंड ने दी थी ना, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको इम्पोर्टेंट समझ के नोट करें। और राजा राम मोहन के राय के बारे में अपनी पिछली वीडियो में आपको डिटेलिंग में करवा चुका हूँ। अगला है लाल कुर्ती दल, मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, छाप लो इस क्वेश्चन को, एज इट इज़ आपको देखने को मिलेगा ये। लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है, जो हमारा लाल कुर्ती दल है वो है हमारे कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी जिनको हम कहते थे, कौन है हमारे, खान अब्दुल गफ्फार खान, और इनको हम गफ्फार खान, इनको हम सीमांत गांधी, आपने क्वेश्चन सुना होगा कि सीमांत गांधी किसको कहते हैं, जैसे हमारा पहाड़ी गांधी कहते हैं, हमारे पहाड़ी गांधी किसको कहते हैं, आज का आपको प्रश्न है, पहाड़ी गांधी, सिंधी गांधी किसको कहते हैं, ठीक है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन सीमांत गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, और ये कौन थे हमारे, ये हुए हैं हमारे पश्तून इलाके से, हमारे कहाँ से, जो हमारा अफगानिस्तान वाला इलाका ना, वही ये वहीं से थे, लेकिन इनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी, तभी तो अफगानिस्तान के साथ जो भारत के संबंध जो ठीक ठाक थे। अगला देख क्वेश्चन देखते हैं कि कुशासन के, अभी इसमें एक और क्वेश्चन रह रहा है, इसको मैं वो करवा देता हूँ, जो लाल कुर्ती दल के सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं, जो उनके सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं हम खुदाई खिदमतगार, क्या कहते हैं हम, खुदाई खिदमतगार, खिदाई खिदमतगार उनको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कुशासन के आधार पर अंग्रेज़ों ने किस रियासत को हड़प लिया था, ये मैंने आपको बताया था कि अवध को हड़प लिया था, अवध को इन्होंने हड़प लिया था, और गोद प्रथा के विरोध में किसको हड़प लिया था, झांसी को हड़प लिया था। चलिए अगला है, किस आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि रेल बजट को, पहले तो इसको अगले पेज पे करवाता हूँ कि रेल बजट को अलग किया था 1924 में, इसको अलग कर दिया था, और कौन सा आयोग था, एक वर्थ आयोग था जिसके जिसमें इसको क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। फिर क्या है हमारा, विवेक देवरॉय समिति, क्या ही, विवेक देवरॉय समिति। अब इसमें क्या हुआ, इसमें रेल बजट को आम बजट के साथ में दोबारा कंबाइन कर दिया गया, इसके हमारा जो हमारा रेलवे बजट था और हमारा आम बजट था उसको दोबारा से कंबाइन कर दिया गया, किसके, विवेक देवराव समिति की सिफारिशों के बाद। अगला प्रश्न, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है, ये हमारे कौन है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, आपने सुना होगा लाल बाल पाल, ठीक है, ये कौन से थे, गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल, यंग थे ये, ठीक है, और जो हमारे नरम दल के नेता थे उनसे मतलब इनकी आपस में क्या हो गया था, ब्रेकअप हो गया था इनका फिर, ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, मैंने आपको करवाया भी है। अगला है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी कब दी गई थी, अब इनको फांसी कब दी गई थी, इनसे रिलेटेड आपको पहले तीन किस्से मैं आपको बताऊंगा, कि पहला है कि पहले क्या होता है कि 5 मार्च 1931 को क्या होता है, गांधी इरविन समझौता, गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है, उसके बाद क्या करते हैं गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, इकलौता गोलमेज सम्मेलन जहां पे हमारे महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, और भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। फिर क्या होता है, मार्च 1931 को
क्या होता है, मार्च 1931 को फांसी हो जाती है हमारे इन तीनों को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को, सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में। फिर क्या होता है, कराची अधिवेशन होता है 1931 में। जो कराची अधिवेशन होता है, कौन सा अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे, हमारे सरदार पटेल, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। इसमें क्या होता है कि गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन आता है कि कौन से अधिवेशन के पे गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, तो वो कराची अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सरदार पटेल जी कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध किस वॉइस राय से है। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो हमारा झंडू बाम लिटन, क्या था हमारा, लॉर्ड लिटन से संबंधित है, झंडू बाम लिटन, जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था वो। अगला प्रश्न कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के कौन से दुर्ग को बनाया, कलकत्ता में कौन से फोर्ट को इन्होंने बनवाया था, तो ये था फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम था, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। आपको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने इसको लिखा था, उनकी पुस्तक थी आनंद मठ, इनकी पुस्तक थी, इससे वंदे मातरम को लिया गया था। और सर्वप्रथम इसको 1896 के कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था। क्वेश्चन आता है भाई कौन से अधिवेशन में, कब था, 1896 का कोलकाता अधिवेशन में इसको कहा गया था। अगला है वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था, ये दिया था हमारा स्वामी जी, कौन थे, स्वामी दयानंद, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इनको, ठीक है, दयानंद सरस्वती, इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। ये क्वेश्चन भाई HPSSC तो पता नहीं कितनी बार ही पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। अगला है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, ये कौन थे हमारे, आत्मरंग पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, ये इसके क्या थे, आत्माराम पांडुरंग इसके प्रार्थना समाज के संस्थापक माने जाते हैं। अगला है चौरी चौरा घटना, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, पूरे आपको क्रम से बताता हूँ कि 1920 में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने इसको स्टार्ट करा। इसमें क्या हुआ, गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की अपनी उपाधि त्याग दी इसमें गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन आता है कि कौन से आंदोलन में गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी, तो वो था हमारा असहयोग आंदोलन। फिर 1922 5 की 6 मार्च को क्या होता है, चौरी चौरा का घटना होती है। इसमें क्या होता है कि गोरखपुर में एक पुलिस था, मतलब जो उग्र जो अनुयायी थे वो क्या करते हैं, वहाँ पे आग लगा देते हैं, मतलब किसको, जो हमारा वो होता है पुलिस थाने को आग लगा देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया 1922 में, 1922 में गांधी जी ने इसको वापस ले लिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसको कहा जाता है, पुनर्जागरण के पिता, यही हमारे कौन थे, राजा राम मोहन रॉय, इनको नोट करना भाई, क्वेश्चन को अच्छे क्वेश्चन है सारे। 1909 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, ये हमारे होते हैं हमारे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। और इसी रिफॉर्म ने जो सांप्रदायिक निर्वाचन का बीज किसने बोया था, इसी ने बोया था, इसी में मुस्लिम्स को डबल वोटिंग राइट दे दी थी मार्ले मिंटो रिफॉर्म ने ही। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी थी, मैं आपको बता चुका हूँ, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, आपको याद रखना इसका। बाद में पहली रेल किसके कार्यकाल में चली थी, मैंने आपको बताया था 1853 में, कहाँ से, मुंबई से थाना तक, झंडू रबाम डलहौजी के टाइम पे, डलहौजी के टाइम पे ही ये चली थी। तो ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, ये थे आज के हमारे कुछ बेहतरीन प्रश्न। आई होप आपने वीडियो को ज़रूर देखा होगा, तो प्लीज़ जो फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, अपने अपने स्टेटस पे लगा दो यार, कुछ नहीं होता है, कर दो शेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।